ज्ञान होना ठीक है लेकिन ज्ञान का अहंकार ठीक नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की 22 अगस्त की सीरीज़ के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो को लाइक कर देना और सभी मित्रों को शेयर कर दिया करें। साथ ही जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी जो कोने में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करके घंटे के निशान को दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी नया वीडियो डालें उसकी भी सूचना आपको मिलती रहे। कुछ ही समय बाद आपको हिंदी साहित्य इतिहास के जो प्रश्नोत्तर रूप का वीडियो है वो भी मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। राजस्थान ने जैव ईंधन नीति को सर्वप्रथम लागू किया है। अगला है, हाल ही में लॉन्च वसोवा ड्रग्स चर्चा में रही है, ये दवा है, ये किसके इलाज के लिए बनाई गई? कैंसर के। अगला, अंतरिक्ष यान बेरेसीट चंद्रमा की सतह पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ये किस देश का यान है? इजराइल का। अगला है, किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी सरबत सेहत बीमा योजना की शुरुआत की है? पंजाब राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका के केटालिना चैनल को पार करने वाले पहले एशियाई तैराक कौन बने हैं? सत्येंद्र सिंह लोहिया। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में दूसरी उदय एक्सप्रेस ट्रेन विशाखापट्टनम और किस शहर के बीच चलाई जाएगी? विजयवाड़ा के बीच। अगला है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति का नाम दूसरी बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? लक्ष्य राज सिंह का। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड 2017-18 प्रदान किया गया है? 2017-18 में नामित है वो अवार्ड प्राप्त करने वाले हैं ई गवर्नेंस का, दिलीप कुमार राठौड़। अगला प्रश्न, भारत के 17 आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में राजस्थान के किस क्षेत्र को शामिल किया गया था? आमेर महल क्षेत्र को। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कुछ विशेष प्रश्न। अच्छे लगे हो तो लाइक कर दें और सभी मित्रों को शेयर कर दें।